आवास की मांग को लेकर बांसगांव तहसील में चल रहा है क्रमिक अनशन। यह बांसगांव तहसील का नजारा है जहां भाटियों के दढ़ा ब्लॉक के अध्यक्ष पारस लाल निषाद आवास की मांग को लेकर कई दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। वो सुबह आते हैं और दिन भर क्रमिक अनशन पर बैठे रहते हैं और शाम को फिर घर चले जाते हैं, परंतु तहसील प्रशासन आज तक इसको संज्ञान नहीं ले रहा है। इस संबंध में जब तहसील के SDM से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको दढ़ा ब्लॉक पे क्रमिक अनशन करना चाहिए, यहाँ करने से क्या फायदा हो। कब से कब आमरण अनशन चलता है? शनिवार से। शनिवार से आपका क्रमिक अनशन चल रहा है? हाँ, चल रहा है। कब से बैठते हैं? सुबह सुबह आ जाते हैं 10 बजे और 4 बजे शाम 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि अब रात गुजारने से के लिए कोई फायदा नहीं होता दिया का हमारे कुछ हो सकता है। क्या मामला है? मामला है कि हमारे गांव के 9 हरिजनों का आवास के लिए जांच के लिए अब हम पत्र पर दिए हैं। अब अभी 5 बार हम लोगों ने उसका एक धंधा पत्र कर चुके हैं, तो अंत में हमने जांच के लिए आवेदन असल किए हैं। दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए बांसगांव संदेश से। आवास